न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ पंत भाटिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बड़वानी मुख्यालय से। जी हां, बड़वानी जिले में हुआ कोरोना का महाविस्फोट। सबसे अधिक संक्रमित सेंधवा, पानसेमल और बड़वानी में। आपको बता दें कि आज बड़वानी जिले में 37 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। आंकड़ा बढ़कर 3245 हो चुका है, जिसमें से 3074 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 140 लोगों का उपचार जारी है। वहीं बड़वानी जिले में अब तक कुल 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें, आज जिन 37 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, उनमें सबसे अधिक संक्रमित सेंधवा व पानसेमल में मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज सेंधवा व पानसेमल में कोरोना से संक्रमित कुल 8-8 मरीज मिले हैं। ये दोनों क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं और लगातार यहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं बड़वानी में 6, अंजड़ में 3, निवाली में 2 और गुमड़िया में कोरोना से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। इसी के साथ टेमला, खेतिया, जलगोन, सकराली, बाबदड़, ओसवाड़ा, बोरलाय और धावड़ी में कोरोना से संक्रमित 1-1 मरीज मिला है। लगातार कोरोना संक्रमण बड़वानी जिले में बढ़ रहा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासन लगातार कोरोना को बछाड़ने की कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें कि आज बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा व पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल सहित आला अधिकारी बिजासन घाट यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन कोरोना को घेरने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ।